एम साहब, फिर कभी अपनी पलटन के साथ हमारी गाड़ी में मत बैठना। अच्छा हुआ किसी ट्रैफिक वाले ने नहीं देखा, नहीं तो आप उनका लाइसेंस छीन लेता। हमको मालूम है मैन, पैसेंजर दो है, बाकी तो बच्चा लोग है। पिंटू डार्लिंग, तुम भाड़ा देने से पहले अपना सब बच्चा लोग का गिनती कर लेना, सब बराबर है? हाँ। You don't worry, darling. अगर एक भी बच्चा कम निकला ना तो हम इसको किराया नहीं देगा। हाँ। Come on, children. One, two, three, one, two, three, one, two, three, four, five, six, seven, eight, halt. डार्लिंग, ये आठ बच्चे लोग हैं, एक तुम्हारे गोद में, नौ के नौ बराबर हैं। मैन, तुम क्या समझता है हम फैमिली प्लानिंग नहीं मानता? जरूर मानता है। देखो वो जो तीन बच्चे हैं ना, हमारे पहले हस्बैंड का है जो ऊपर चला गया, और वो जो तीन बच्चा है वो इसकी पहली वाइफ का है जो घर छोड़ के भाग गया, और ये जो छोटा छोटा तीन बच्चा है ये हम दोनों का है। एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। इसको कहते हैं जॉइंट फैमिली प्लानिंग सिस्टम, समझा? ये लो तुम्हारा पैसा। मैडम। हाँ? आप फिर से शादी मत कीजिए। जय जॉइंट फैमिली प्लानिंग सिस्टम। प्रॉब्लम? डबल प्रॉब्लम। टैक्सी, 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 टैक्सी। Taxi, taxi, taxi.
साहब। सलाम बॉस। क्या हाल है कबूतरों? आनंद है, देवानंद है। अबे मगर कड़की बहुत है। अबे वो तो रोजाना की बात है, आजकल अपने ड्राइवर भाई लोग भी कड़के हो गए ले और अपना धंधा चौपट। अबे धंधा तो अपना भी चौपट है यार, 16 रुपए का पेट्रोल डाला, 10 रुपए का भी धंधा नहीं हुआ, ऊपर से ये पनवती। उस्ताद माँ कसम एक सच्ची बात बोलूं? क्या? तुम अपनी हीरोइन है ना, इसको बदल दो, खटारा हो गई लिए। अरे कबूतर, इस बम्बई शहर में अगर किस्मत साथ दे तो डब्बे भी चलते हैं। अरे वाह उस्ताद, क्या डायलॉग मारे लाए। ये ऐसा डायलॉग सुन के फिल्म में पब्लिक सिटी पे सिटी बजाती है। अरे उस्ताद सच्ची फिल्म की हीरोइन आई लिए, यही है अपने बॉस की हीरोइन। अखी बम्बई में आपको इससे जी टैक्सी और कहीं नहीं मिलेगी। चल खोल। आइए मेरे बाबा। मोटे बहुत वजन है क्यों उस्ताद? पैसेंजर कैसा लगा? दूर का भाड़ा है ना। अरे तिरकी ये तो मैं भूल ही गया, थोड़ा देखते रह गया। अब मैं ढक लू कहीं, 1 रुपया 60 पैसे का भाड़ा निकला तो देते रहे 900 दादा के। चलो मैं चलता हूँ। उस्ताद छोकरी बहुत अच्छी है। कहाँ जाएंगे मैम साहब? किसी होटल में ले चलो। होटल? हाँ। प्रॉब्लम मैम साहब, इस शहर के हर कोने में कम से कम 10 होटल होंगे। ईरानी होटल, राम भरोसे हिंदू होटल, राज राजेश्वरी, उड़पी रिफ्रेशमेंट होटल, कुदरतुल्ला, वीरकर आहार भवन, आपको कहाँ ले चलूँ? अरे वही जहाँ रहने के लिए कमरा मिल जाए। मतलब आपका कोई रिश्तेदार नहीं है बम्बई में? नहीं। तो आप बम्बई देखने के लिए आई हैं? नहीं। ओ मतलब आप बिजनेस के लिए या नौकरी के चक्कर में आई हैं? हाँ। अकेली? तुमको इन सब बातों से क्या मतलब? अगर किसी होटल तक नहीं पहुंचा सकते तो मैं दूसरी टैक्सी ले लेती हूँ। सॉरी मैम साहब। हाँ भाई ये ले जाओ। कितना हुआ? गलत फिगर आ गया मैम साहब। अब आप ऐसा कीजिए, 20 पैसे छोड़ के 4 रुपए दे दीजिए। क्या है मैं शरीफ आदमी हूँ ना। थैंक यू। और हाँ मैम साहब, किसी किस्म की चिंता मत कीजिए आप, यहाँ का हेड वेटर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, कोई तकलीफ हो तो मेरा नाम बोल दीजिए, वो फटाफट फिट कर देगा सब। क्या नाम है? पीटर उसका नाम। तुम्हारा? हीरो। हीरो? अब क्या करें मैम साहब, बम्बई के सारे टैक्सी ड्राइवर इसी नाम से पुकारते हैं। ओ, अच्छा अच्छा। सुनो कल हम बम्बई घूमेंगे, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आ जाना। अच्छा कितने बजे? ये कोई 8-9 बजे। ओके 6 बजे मत आना। मैं 10 बजे आ जाऊंगा। ओके बाय। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। अरे देख, अरे हेलो आरवी। अरे तू कितने सालों के बाद। अरे तू और टैक्सी चला रहा है? क्यों क्या हुआ? नहीं यार हैरत होती है तेरे को देख के टैक्सी चलाते हुए, और तू इतना पढ़ा लिखा है यार। मेहनत मजदूरी में किस बात की शर्म यार। अच्छा तू बता, तू बम्बई में आके क्या झक मार रहा है? अरे यार 4 साल तक जूते घिसवाने के बाद एक म्यूजिक कंपनी, सॉरी फिल्म कंपनी ने म्यूजिक डायरेक्टर चांस दिया, मुझे दे दिया। हाँ और आज मेरे रिकॉर्ड रिलीज हो रहे हैं, मैं पॉलीटोन में जा रहा हूँ यार। हाँ थैंक यू यार, थैंक यू। रास्ते में जी भर के बातें करेंगे। हाँ चलो 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 चलो। जिस लड़की को पता नहीं मालूम है, ठिकाना नहीं मालूम है, और उसको ढूंढने तुम बॉम्बे में जा रहे हो, तुम्हें पता है बॉम्बे कितनी बड़ी जगह है, कहाँ ढूंढते फिरोगे उसको? तेरे यार कितने ब्रिलियंट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, क्या फ्यूचर है तुम्हारा मालूम है, और तुम उसे खराब कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। मेरी बात सुन, मत जा प्लीज। तू इरादा नहीं बदलेगा ना अपना? तू लड़की तेरे को बर्बाद करके रहेगी। मुझे यकीन नहीं आता है। क्या हुआ?
आज मैं उसी जिंदा दिल नौजवान के साथ बैठा हूँ जिसके दिल में कभी जमा इरादे थे। जिंदा दिली तो मुझ में आज भी जिंदा है यार, देखते नहीं आज भी मेरे चेहरे पे वही मुस्कुराहट है। हाँ लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे जो दुख था क्या वो भी अब तक है? दुख? दुख तो उस जलती हुई लाल बत्ती की तरह है जो जिंदगी की रफ्तार को रोक देता है। जिंदगी तो चलते रहने का नाम है। तुझे मालूम है मैं चाहता हूं हर घड़ी हर पल मेरे चारों ओर लोगों की भीड़ हो, शोर हो, हंगामे हो, मैं कभी अकेला ना रह सकूं। अकेलेपन से मुझे बहुत डर लगता है यार। एक बात पूछ सकता हूं? देख मिली, क्या तू समझता मिलेगी तेरे को? मेरे इस धंधे में आदमी कभी अकेला नहीं रहता। तरह तरह के लोग मेरे टैक्सी में आके बैठते हैं, कई बातें कहते हैं, कभी कभी अपने प्रॉब्लम्स बैक सीट पे छोड़ जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स देख के मुझे तसल्ली हो जाती है और मैं अपने प्रॉब्लम्स को कपड़ा मार के धूल की तरह झाड़ देता हूं। देव, जिस तरह बीता हुआ वक्त कभी लौट के नहीं आता, उसी तरह कभी कभी बिछड़े साथी नहीं मिलते। उसे भूल जा दोस्त, उसे भूल जा। साहब, साहब टैक्सी आ गई। जिन लोगों से मिलती हूँ उन्हें बातचीत करने में बहुत कम दिलचस्पी होती है। प्रॉब्लम? मगर कसूर उन लोगों का भी नहीं है मैम साहब। असल में कुछ लोग यही सोचते हैं कि बातें कम करें और काम ज्यादा। इस वक्त मैं बातें ज्यादा कर रहा हूँ और काम कम। आप बोर हो गई होंगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं। ऐसी बातें तो मैं जिंदगी भर सुन सकती हूँ। लेकिन हमारा साथ थोड़ी देर का है मैम साहब, जिंदगी भर का नहीं। दुख तो इसी बात का है, हम जैसे मुसाफिरों का साथ थोड़ी दूर का क्यों होता है, जिंदगी भर का क्यों नहीं? जीवन में हम सफर, रुक क्यों गए? गाओ ना, रास्ता कट जाएगा। जीवन में हम सफर, मिलते तो है जरूर पर खो जाते चल के थोड़ी दूर। जीवन में हम सफर, मिलते तो है जरूर पर खो जाते चल के थोड़ी दूर। जीवन में हम सफर।
अजब राह में जिंदगानी है कोई के ढूंढो किसी को तो मिलता है कोई। अजब राह में जिंदगानी है कोई के ढूंढो किसी को तो मिलता है कोई। कब उम्र भर साथ चलता है कोई जीवन में हम सफर। मिलते तो है जरूर पर खो जाते चल के थोड़ी दूर। जीवन में हम सफर। साथी मेरे दिल जिगर के कहाँ छुप गए मुझको आवार करके। हम दमो साथी मेरे दिल जिगर के कहाँ छुप गए मुझको आवार करके। मैं थक गया जुस्तजू करते करते जीवन में हम सफर। मिलते तो है जरूर पर खो जाते चल के थोड़ी दूर। जीवन में हम सफर। मिलते तो है जरूर पर खो जाते चल के थोड़ी दूर। फिर मिलेंगे। जिंदगी रास्तों में बिखरी पड़ी है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। बुढ़िया बंबई छोड़ के चली ही गई। प्रॉब्लम मिस्टर हीरो, अंदर आ जाओ, हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार करता है। मिस्टर दिशा, आप मेरे कमरे में काय को नहीं आएगा। ये चाबी हमारा है, हम तुम्हारा पास एक किराया लेने को आया है। लेकिन रात के एक बजे किराया लेने को फिर क्या करेगा? रोज सुबह तुम हमारा जागने से पहले भाग जाता है और हमारे सोने के बाद में आता है। पर आज हम फूल नहीं बनेगा। लेकिन आज हमको पूरा साल का किराया मांगता है, 480 रुपया, 480 रुपीज हमको अभी का अभी मांगता है। अभी का अभी तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। आपकी चाली में तो रात को पानी भी नहीं आता, अभी तो पेट्रोल पी के ही सोने का इरादा है। मालूम मालूम, हम बहुत देखा पेट्रोल पीने वाला, आज का कमाई भी बांट दिया मालूम पड़ता है। तुम गंगो का छोकरों को कपड़ा दिला सकता है, पूरी माँ को खाना खिला सकता है, हमारा किराया काय को नहीं दे सकता। बोलो बोलो। उन गरीबों की जरूरतें बहुत छोटी है मैडम, आपका किराया थोड़ा ज्यादा है। फिर तुम अभी कभी हमारा खोली छोड़ दो। हम पहले ही बैचलर आदमी को खोली देने को राजी नहीं था, सब लोग बोल होता है। अभी कभी हमारा खोली छोड़ दो, हम कुछ नहीं जानता। लेकिन आधी रात को भूखा प्यासा कहाँ जाऊंगा मिस सिटी सर? हम तुम्हारा जुम्मा नहीं दिया, जाकर फुटपाथ पर सो जाओ। जाओ। अच्छा मिस सिटी सर, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। चोर बाजार में बेचकर अपना पैसा वसूल करेगा और तुम हमारा पैसा दिए बिना जाने का कोशिश करेगा, हम तुमको पुलिस में अरेस्ट करा देगा। नहीं नहीं मिस्टर जी साहब, आपका पैसा मैं दे दूंगा,
पैसा दिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, चाहे 10 साल क्यों ना लग जाए, आपका किराया दिए बगैर मैं नहीं रहूंगा। सच्ची बात बोलता है? बिल्कुल सच्ची। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। लोफर का माफिक जागेगा नहीं, आराम से सोएगा। अच्छा जा सो लो। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। May God bless my soul. Oh. साहब अपना सिगरेट लेके जाइए। लगे रहो बाबू, लगे रहो। हाँ
हाँ मैम साहब, ये रानी बाग है, अब नया नाम है जिजा माता उद्यान। यहाँ क्या होता है? जिस तरह बंबई में हर नस्ल हर कौम बसती है, उसी तरह इस बाग में दुनिया का हर जंगली जानवर दिखाई देता है। मुझे जंगली जानवर देखने का कोई शौक नहीं। वेरी गुड, मतलब कि नो प्रॉब्लम। अच्छा, और ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई देती है ना आपकी दुआ से, हाँ तो ये पेडर रोड है, बंबई का ब्लैक एंड व्हाइट एरिया। क्या मतलब? मतलब कि बंबई के बहुत सारे अमीर लोग यहाँ रहते हैं। और तो फिर म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी अंजी भी यही रहते होंगे ना? नहीं, कल्याण तो यहाँ से बहुत दूर है, थाना से भी आगे। इधर देखिए, ये जो समुन्दर है ना, हाँ मैम साहब, यह है चौपाटी। क्या है, हर शाम को मोटी मोटी सेठानियां आकर सेठों का माल भेलपुरी वालों को देती हैं, और भेलपुरी वाले बरेली में जाके बंगले बांधते हैं। अच्छा, हाँ। यह म्यूजिक रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जी, हाँ मैम साहब, यह है लोकल ट्रेन का पहला और आखिरी स्टेशन। मजे की बात यह है, यहाँ ना कोई चर्च है ना गेट है, फिर भी लोग चर्च गेट कहते हैं इसे। यहाँ प्लेबैक सिंगर्स कहाँ रहते हैं? इरेक्टेड टू कोमेमोरेट द लैंडिंग इन इंडिया ऑफ देयर इंपीरियल मैजेस्टीज किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी। लेकिन आज मुश्किल ये है मैम साहब कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ओहो, मैंने सब कुछ देख लिया है, सुन लिया है, लेकिन मैं कहती हूँ जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देते? क्या पूछा था आपने? यही कि म्यूजिक डायरेक्टर्स कहाँ रहते हैं, गाने कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, और फिल्म स्टार्स कहाँ रहते हैं। देखिए मैम साहब, आपको बम्बई देखनी थी, मैंने दिखा दी। अब अच्छा यही है कि आप शाम की गाड़ी का टिकट कटवाकर जहाँ से आई है वहाँ वापस लौट जाइए। क्यों? क्योंकि आप क्रेजी हैं, फिल्म क्रेजी, हीरोइन बनने के चक्कर में घर से भागकर बंबई आई हैं। डर सिर्फ इतना ही है कि ये बंबई कहीं आपको कुछ और न बना दे। ओह शट अप, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। जरा सी इंपोर्टेंस क्या मिल गई कि सर पर ही चढ़कर बैठ गए। ये मत भूलो कि तुम एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हो और मैं एक पढ़ी लिखी लड़की, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। ये लो तुम्हारा किराया। थैंक यू। और हाँ, मुझे हीरोइन बनने का कोई शौक नहीं, मैं प्लेबैक सिंगर बनने आई हूँ। oh. और एक दिन बनकर दिखा दूंगी। जिस दिन मेरा नाम रेडियो पर सुनोगे और अखबार में पढ़ोगे तो मेरी ये बात याद रख लेना, समझे? लेकिन नाम तो बताया नहीं मैम साहब। जिस दिन मेरा नाम अखबार में छपेगा ना तो साथ में रूना लाला की तरह फोटो भी छपेगी, देख कर पहचान लेना। बेस्ट ऑफ लक। टैक्सी। प्रॉब्लम। टैक्सी खाली है भाई? हाँ बिल्कुल खाली है। तो भर लो, बैठिए ना। कोई चीज खाली नहीं रखनी चाहिए। नरीमन पॉइंट। किसी दोस्त से मिलने गए थे? हाँ, पुराना दोस्त था। था या थी? मिली? आप समझदार हैं। और बूढ़ा भी। यंग मैन, लाइफ इज टू गो अहेड एंड नॉट टू रन आफ्टर।
शायद आपका नाम देव है ना? जी। मेरा नाम नीलम है। जी मुझे मालूम है। बैठिए ना। आप बैठिए ना। आप अक्सर यहाँ अकेले बैठते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से आपको दोस्त हल्ला गुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है, मैं वैसे भी बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन दूसरों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। और दूसरों को चोरी चोरी घूरने में भी मजा आता है ना? जी। हाय, एक्सक्यूज मी, क्या हाल है? बड़ी हंस रही है, क्यों क्यों क्या हुआ? देखा, मेरे को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। हाय बड़ी, हाय बेजू। यार मैं नीलम से एक इम्पोर्टेंट बात करके आता हूँ। अरे नीलम, तुम यहाँ बैठी हो? ए चंद्रमुखी, बैठा बताओ, तुमको हीरोइन बनना है कि नहीं? हीरोइन? हाँ, ड्रामे में। हीरो कौन है? मैं। तुम? क्या हुआ? सॉरी। हैं? जानते हो देशपांडे सर क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैंने कहा सर मैं स्कूल में फेल हो रहा था। आदर। सर ने कहा तुम्हारे जितना मैंने टैलेंटेड लड़का मेरे पूरे कॉलेज करियर में देखा नहीं। वाह 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 वाह। क्या मानते नहीं आप लोग? लेकिन हंस क्यों रहे? एक्टिंग आती है क्या? एक्टिंग? जरा नमूना तो पेश कीजिए। पेश करता हूँ। जाने सुनिए, नेचुरल एक्टिंग। अच्छा नेचुरल एक्टिंग। जाने अगर मैं शेक्सपियर के जमाने में पैदा होता तो शेक्सपियर को ड्रामा के बदले एक्टिंग सिखा देता। वाह वाह वाह, आला आला आला। क्या बात है। अच्छा सुनो, तुम्हारा फोटो निकालो जल्दी से। फोटो? हाँ सर, तुम्हारा थोपड़ा भूल गया, मैंने कहा मैं छीन लूं। क्या मैं फोटो अपने साथ लेके घूमती हूँ? ओहो लफड़ा। हाँ, तुम आईडी कार्ड लाई हो? लाई हूँ। राइट, आईडी कार्ड में तुम्हारी फोटो होगी, वही मैं सर को दिखा दूंगा। ये लो। थैंक यू वेरी मच। टाटा, दैट्स बेटर। बाय द वे, रेस एक हफ्ते में चालू। अरे हाँ बिल्कुल, डन डन डन। पांडे सर भी सोचते होंगे ऐसी कौन सी बेवकूफ लड़की जो इस भोंदू के साथ काम करने के लिए तैयार होगी। बोर बोर। The girl who's driving me mad is going away, yeah. Oh, she's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. Hey, Dave, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? Happy birthday. Should it do right? Should it? अरे, कम से कम thank you तो बोलो यार. Thank you. That's better. Oh, by the way, तुम्हारा कोई कार्ड आया? मेरे ख्याल से बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड है। I think I'm gonna be sad. I think it's मुझे कौन भेजेगा कार्ड? अबे आया है भाई, मैं क्या करूँ? मायूस क्यों हो रहा है? वो देखो पड़ा हुआ है। The girl who's driving me mad is going away. Yeah. Says that living with me. It's bringing it down, yeah. टैक्सी, प्रॉब्लम जी, हम इस खटारा टैक्सी में नहीं बैठेंगे। मैम साहब, किसी भी नए मॉडल को एक ना एक दिन खटारा तो बनना ही पड़ता है। आइए, क्या बोलता है, क्या डायलॉग बोला है। ऐसे डायलॉग फिल्मों में सुनने के बाद लोग तालियां बजाते हैं, पूछ लीजिए इन लोगों से। आइए, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर साहब बारे में सोचेगा, इसको साइन कर लो, एड्रेस लिखा देना भाई। बैठो बैठो बैठो, आज यहां हमारी सुना दीजिए। बैठो बैठो बैठो, आज ये क्या लक्षण पन यंग है गुरुमन्यम प्रोड्यूसर साहब।
क्या नगीना ढूंढ कर लाया है, चाहे जाओ अंगूठी में फिट कर ले। पांडोबा पोर की फसली रे, का कहे हो डलेबर साहब? नहीं मैं वो बोर्ड पढ़ रहा था। हाँ तो हम ई कहते रही कि जब इनकी आवाज सुनोगे ना तब हम का मानोगे। चतुर्वेदी हम तो 100% गारंटी के साथ बोलता है कि ये लड़की एक वेरी गुड प्लेबैक सिंगर बनेगा। हाँ, क्या नाम बोले इसके? जी मेरा नाम ज्योति है। ज्योति ड्राइवर मुशा है, मैडम का नाम लेता है? नहीं ये नाम सुन के कहीं लगा कि विविध भारती के पंचरंगी प्रोग्राम में ये नाम बहुत बार सुना है। आई आइया तुम विविध भारती की बात करते जी, अभी हमारा मिस ज्योति का नाम बीबीसी लंदन से भी आएगा, हमारे कांटेक्ट में आया जी। हम इस लड़की का आवाज सुनेगा, इसका स्क्रीन टेस्ट लेगा, अभी हम इसको एक कहानी सुना रहा है। चुप बैठो जी, तुम कैसे कहानी सुनाएगा? पैसा हमारे लगता है पनम। फाइनेंस फाइनेंस पैसा पैसा। हाँ हम स्टोरी सुनाए बराबर कहा था। इतना चतुर है चतुर्वेदी। ज्योति मगर मुझे हीरोइन नहीं प्लेबैक सिंगर बनना है, कहानी सुनकर मैं क्या करूंगी? स्टोरी नहीं सुनना है तो कम से कम गाने का सिचुएशन तो सुन लो। हम सुनाते हैं, तुम सो जाओ। गाने का एक ब्यूटीफुल सिचुएशन, एक तुम्हारे जैसा खूबसूरत लड़की गार्डन के अंदर अकेला कर रहा था, वो इधर उधर देख रहा था। थोड़ी देर के बाद एक हीरो आता है, वो हीरोइन को देखता है और हीरोइन हीरो को देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ी देर के बाद वो हीरो थोड़ा हीरोइन के नजदीक आता है और उसका हाथ पकड़ता है। उसके बाद वो हीरोइन को गले से लगा लेता है। यूं ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। सेठ जी माफ कीजिएगा लेकिन अपनी गाड़ी में ऐसा लफड़ा नहीं मिलता। अरे डलेवर साहेब, हमार सुब्रमण्यम साहेब खाली गाने की यानी के सॉन्ग की रिहर्सल करत रहे। अजी सॉन्ग के लिए तो मैं अच्छी सिचुएशन बता सकता हूँ। बताइए डलेवर साहब। सुबह का वक्त है, आसमान धीरे से लाल हो रहा है, चिड़ियों की आवाज आ रही है। अरे ये सिचुएशन किधर है? ये तो लोकेशन है। अब जरा सुनिए तो। हाँ बोलो। इतने में एक लड़की की चीख सुनाई पड़ती है। ये कट टू एक बुड्ढे का क्लोजअप, बुड्ढा जमीन पे गिरा है और जमीन खून से लाल। कैमरा पैन होता है, दूर झोपड़ी में एक लड़की खड़ी है, लड़की फिर से चीखती है, उसकी चीख सुन के कुत्ते भागते हुए आते हैं। कौन भागते हैं? उसमें से एक कुत्ता आगे बढ़ता है और एक टैक्सी रोक लेता है। कुत्ता टैक्सी रोकता है? इम्पॉसिबल। भाई साहब जब हाथी डॉक्टर को बुला सकता है, घोड़ा ट्रेन के साथ दौड़ सकता है और शेर इंसान के बच्चे को पाल सकता है तो कुत्ता टैक्सी नहीं रोक सकता। वेरी इंटेलिजेंट, यह नया आइडिया जी। फिर कुत्ते लड़की को लेकर टैक्सी में बैठ गए। कतने कुत्ते थे? अब टैक्सी में एक तो था टैक्सी वाला हाँ? और एक थी लड़की हाँ? अब ये दोनों छोड़ के टैक्सी में कितने कुत्ते बैठ सकते हैं? हाँ तो टैक्सी में बैठ गए और भूखी नजरों से लड़की को देखने लगी, उनके मुंह से राल टपकने लगी। इतने में तीसरा कुत्ता जो पहले कुत्ते का चमचा था अचानक उसकी दुम हिलने लगी। क्या हिलने लगी? दुम। लड़की फंसती जा रही थी, दुम हिल रही थी। लड़की फंसती जा रही थी, दुम हिल रही थी। हिल रही थी, फंस रही थी, हिल रही थी, लेकिन उसका आगे क्या? उसके आगे एक कुत्ता लड़की पे छपड़ पड़ा। उसके बाद क्या होता है? लड़की के मुंह से चीख निकलती है, चीख सुन के हीरो चलती टैक्सी में कूद पड़ता है। उसके सर पे खून सवार है, वो जेब से रामपुरी चाकू निकालता है। भगवान सोचने लगता है कि इन कुत्तों की तलाश पुलिस को तो है ही, इनका मर्डर कर दूं या पुलिस के हवाले कर दूं? मर्डर कर दूं दादा पुलिस के हवाले कर दूं? मर्डर कर दूं पुलिस के हवाले कर दूं? ये क्या लग गया? अरे भागा हो देख लिया मेम साहब, अब भी वक्त है, अपने माँ बाप के पास चले जाइएगा, सुखी रहेंगी। ओ शट अप जी, वो लोग तो मेरा गाना सुनकर मुझे प्लेबैक सिंगर का चांस देने वाले थे और तुमने उन्हें डरा कर भगा दिया। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें मेरे जाति मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी?
आपके जाति मामले में दूसरों का दखल देना आपको पसंद नहीं है तो शोर मचाने की क्या जरूरत थी? और मेम साहब, आइंदा जिंदगी में इस तरह चांस लेने का चांस फिर से मिले तो खामोशी से काम लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई गैरतमंद आकर आपके किए कराए पर पानी फेर देगा। गुड बाय। और एक सुपरस्टार मोटी ने मेरी सीटी छीन ली। सीटी छीन ली? हाँ। किसने? मोटी ने। मोटी ने? वो क्या तेरी आंटी है? मोटी ने। तो स्कूल टीचर है? नहीं, टीचर तो स्कूल में है। स्कूल कहाँ है? बस स्टॉप के सामने। बस स्टॉप कहाँ है? स्कूल के सामने। प्रॉब्लम। अच्छा ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो मैं ऐसे घूमता फिरता हूँ। अबे इतना सा है, अभी से हीरोगिरी करने लगा? आज ही तो चांस मिला है, आया बीमार है ना। मम्मी डैडी कहाँ है? मम्मी डैडी हाँ है, मगर उन्हें अच्छे मन से मिला नहीं। फिर से प्रॉब्लम? मतलब जब आप स्कूल जाते हैं वो सोए रहते हैं, जब वो घर आते हैं आप सोए रहते हैं, करेक्ट? हाँ, तुमको कैसे मालूम? हाँ, मैं सांबा हूँ ना, इसलिए मुझे सब मालूम है। लेकिन संडे को तो मिलते होंगे? किटी पार्टी में जाते हैं, डैडी क्लब में जाते हैं। हमारी तो जवानी को प्यार नहीं मिला, तेरा तो बचपन ही प्यार का पैसा है। अच्छा बेटे, तू घर चला जा, छोटे बच्चों के लिए ऐसा घूमते फिरते रहना अच्छा नहीं। घर चला जा। स्कूल तो 4 बजे छूटता है, तब तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अबे मैं मेरा धंधा देखूं या तुझे संभालूं? इसीलिए अब तक मैंने शादी नहीं की। चल 4 बजे तक इधर उधर घूमना, बाद में घर चले जाना। चल चलो फूटो। अबे हीरो, रोता क्यों है? तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? यार तू बड़ा चिटकू है। नहीं मेरा चिटकू नहीं, मेरा चिटकू है। कुछ भी होने दो, एक तो साला सुबह से धंधा ठंडा है, ऊपर से तू एक्टिंग मार रहा है। चला अरे वो सांबा, तेरे मम्मी डैडी का है? मेरे मम्मी डैडी? वो तो मेरे जागने के पहले ही सो चुके। हा हा हा, प्रॉब्लम। तो क्या तुम स्कूल कभी नहीं गए? गया था मेरे हीरो, बीए तक पढ़ा हूँ। तुम्हारे बच्चे तुमको उल्टा पढ़ा? उल्टा सिखाया? और क्या, हमारे स्कूल में ए के बाद में बी पढ़ाते, तुमने तो बी के बाद ए पढ़ाया, तो ये उल्टा है ना अंकल। प्रॉब्लम, ये तो कभी सोचा ही नहीं। अरे वो सामान टैक्सी रुको। क्यों क्या हुआ? क्या सुन सुन, चल चल जल्दी उतर।
अबे सीट मत खराब कर, चलो उतर। अब क्या है? बटन लगा। बटन तेरी, चल चुपचाप बैठ जा गाड़ी में, चल बैठ। बटन लगा, हाँ बता तेरा घर कहाँ है? किधर ले लूं बाबा जी? एक मिनट डोली डाले बाबा जी, एक मिनट। तू मने बहु गम्मे छे बाबा जी, एक मिनट। तू बहु ब्यूटीफुल छे बाबा जी, मैं एक मिनट। तू बहु सुंदर छे बाबा जी, एक मिनट। तू बहु खूबसूरत छे ओ बाबा, एक मिनट। अरे साला तारे बबड़ी बंद कर दी साला, गजेला रिकॉर्ड पे टूटेला सुई का मतो काटा गया बाबा 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 डोली डाले बाबा जी, किधर ले लूं? उधर लो जिधर डील से डील मिलता है। साला पहले बोल नहीं जो जाना है करके। अरे सो सेंसिबल ड्राइवर जने, इसको बराबर मालूम है। डोली डाल ले, मेरे को इतनी जल्दी भी सोचे अभी खाना है? कोई कोई आने वाला है क्या? डोली डार्लिंग, अभी जुबिस का अंडा कोई पर नहीं होगा, अपन जुबिस का कोपरा में बेस रोमांस करेगा। जिधर कोई पन नहीं होगा, नारियल पानी वाला पन नहीं होगा। जिधर समंदर का ठंडा ठंडा पानी, ने ठंडा ठंडा रेत, ने तेरा गरम गरम जवानी। अरे रुस्तम सू बोले, चंडा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा, झूमे झूमे दिल मेरा, झूमे झूमे दिल। अरे पर रुस्तम, अरे दोपहर में चांदनी क्या थी अभी? अरे डोली डार्लिंग, मैं तेरे वास्ते सब कुछ कर सकता है। ए ड्राइवर गाड़ी रोको। नहीं नहीं जाने दो, मैं तेरे वास्ते सब कुछ कर सकता है, मैं तेरे वास्ते जान दे सकता है। सो थयो तारा मोड़ा मती वास आवी छे, वास आवे छे। कांडा नी कांडा कांडा, हां कांडा, हां सवारे हूं तेरा ओनियन उत्तपा खातो अटे नी, इसको वास्ते आता है। ओनियन उत्तपा खाके? ए तेरे को ओनियन उत्तपा नहीं मालूम है? बंबई के अंदर खाली दो ही चीज फेमस है, क्लासिकल का अंडा टप्पा, ने खाने का अंडा उटप्पा। साला मानस छे का फाना छे जो ने ओ मानस, ओ मानस भाड़े की जगह खाली करो, तुम्हारी दिल से दिल मिलने वाला जू बीच आ गया। देखो जी, हे दिल देने वालो, दिल देना सीखो जी, हे दिल देना वालो। हां डाली सुजे, ओ माय गॉड, तू तो बोलता था ना कि जू बीच के अंदर अपन खाली दोनों छुएंगे, इधर तो बहुत पब्लिक छे रे। तारी बात सारी छे, पण ये तो आज बैंक खोले के लगे छे, ए तू घबरा नहीं, तू इधर ही छुपे रे, वो अरेंजमेंट करू छु। हां स्वीट, ए ड्राइवर साहब जरा इधर आओ नी, ए तुम्हारा टैक्सी जरा कोपरा का अंदर लो नी। क्यों? ऐसे छे, ए तुम ए 5 रुपए लो और जरा जू बीच के ऊपर घूम के आओ। उधर भेलपुरी पटाटा पूरी पानी पूरी और वो क्या उटप्पा, ओनियन उटप्पा, ओनियन उटप्पा, ओनियन उटप्पा। मालूम पड़ेगा कैसा होता है जब तक हम तुम्हारा टैक्सी को संभालता है। अबे ओ मजनू, मेरी गाड़ी क्या तेरे डैडी नु बगीचा है? मेरी ये रोजी है। ए तेरा रोजी है के जूली? मेरे को नहीं मालूम, पर मेरा बाप का नाम फोकट का अंडा काय बोलिया, मेरा बाप तेरा बाप का बगीचा है। ए उधर क्या देखते है? इधर देख, ए साला मैं तेरे को एक पंच मार के देगा नी तो तेरा डाट पेट का अंदर मैं अटड़ी भर होएगा। ए साला मेरे को उल्टे का है, मेरे को उल्टे का है, मेरे को बता। अरे तुम जा दे, जा दे, मैं इसको साले को बता दे। हां साला बता दे, तू मेरे को नहीं समझता है रे, मैं भी तलवार का चिड़िया सुन का अंडा कराटा सीखने चाहता है। तेरी तो चलामारी ना खेलो, पंजा समझ के साला मेरे को मारता है। मारा तो आचू, मारा आचू जस्ट, मारा आचू, अच्छा क्या क्या चीज़ अच्छा, अरे दिखाई ची, ए ए तुम ड्राइवर है क्या? स्कूल ड्राइवर साला सा मेरा नटबोल ढीला कर दिया रे। ए डोली, ए डोली भाई, ए डोली भाई,
हेल। व्हाट? आपको हेल बोला? हेल, 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 हेलो, हेलो, हेलो मिसेस डिसा। बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। वो क्या हुआ? आपका बेटा कल मेरे सपने में आया था। चार्ल्स, चार्ल्स मेरे सपने में आया था। कितना बड़ा हो गया है, बहुत ही हैंडसम हो गया है, बहुत ही हैंडसम, एकदम हीरो लगता है। तो मुझसे कहने लगा चलो फिल्म देखने चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हारी मम्मी बहुत गुस्से वाली है, डंडा लेके मारती है। तो चुप हो गया, आपसे बहुत डरता है। मिस्टर हीरो, हमको मालूम तुम हमको सेंटीमेंट में लेकर फूल बनाना मांगता है। हम उसका मदर, वो हमारा ड्रीम में कभी नहीं आया, और तुम्हारा ड्रीम में कैसा आया? नहीं वो क्या है कि वो कुछ नहीं है। बोलो हमारा किराया कभी देगा? 2 साल का किराया 960 रुपया हो गया। बोलो कभी देगा? मिसेस डिसा, इतनी बड़ी रकम एक साथ कहां से आएगी? आप अपना कमरा वापस ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। मैं अकेला, मैं तो टैक्सी में भी सो सकता हूँ। तुम पक्का 420 बदमाश छोकरा है। तुम क्या समझता है हम तुमको पैसा छोड़ देगा? इम्पॉसिबल। हम तुम्हारा ऊपर केस करेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, पर तुमको हम पैसा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मिसेस डिसा, सुप्रीम कोर्ट तक जाने में तो आपका कम से कम 5,000 रुपए खर्चा हो जाएगा। नेवर माइंड, हम 10,000 रुपए खर्चा करेगा, पर तुमको 960 रुपए नहीं छोड़ेगा। नहीं 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 मिसेस डिसा, आपको 10,000 खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपका काम सिर्फ 1,000 में कर दूंगा। हाँ, ओनली 1,000। क्या है, मेरी बहुत जान पहचान है ना, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे टैक्सी में, बड़े बड़े लॉयर्स, जज साहब, मैजिस्ट्रेट साहब, बहुत बड़े बड़े साहब आके बैठते हैं ना, आप नहीं जानती। तो आपको तो कोर्ट वोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं, सारा काम मैं अपने हाथों से कर दूंगा। आप सिर्फ ऐसा कीजिए, आपके वो 960 रुपए काट कर मुझे 40 रुपए दे दीजिए, बाकी सब मैं पटा दूंगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यू स्काउंडल। माय चार्ल्स, चार्ल्स याद आ गया। अरे बड़ी टैक्सी रुक जा, अरे यार बड़ी रुक जा ना। जरा जल्दी चलो भाई साहब। हाँ बेटी। हाँ भाई साहब, कहाँ चलेंगे? जरा जल्दी फॉरेस्ट रोड चलना भाई। फॉरेस्ट रोड? हाँ, अभी अभी गाड़ी से उतरे नहीं, इतनी जल्दी फॉरेस्ट रोड जाने की? मैं समझ गया, आप सोच रहे हैं कि वहाँ गर्ल्स हॉस्टल है और मैं वहाँ लाइन मारने जा रहा हूँ। नहीं तो आप क्या भैया दूज मनाने जा रहे हैं? हाँ भाई, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। कितने बरसों के बाद आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसकी मेहनत और लगन की वजह से। उसने मेरे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मैं भी उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आपके पास आपकी बहन का एग्जैक्ट एड्रेस है? हाँ, ये रहा गर्ल्स हॉस्टल का पता। बहुत अच्छी पिक्चर। अरे वो पिक्चर देखी, बहुत मजा आया। बोल राजा, कौन चाहिए? जी वो जरीना बानू। जरीना के पास आया है? अरे वो जरीना, देखिए ड्राइवर बाबू तुझसे मिलने आया है। फरमाइए। आपका भाई आया है। भाई? मेरा भाई? जी हाँ, मेरी टैक्सी में बैठा है। वो
आखिर फूल यहाँ कैसे आ गया? कहीं उसे? जी नहीं, घबराई नहीं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। फरास रोड का मतलब उसे नहीं मालूम। शुक्र खुदा का। आइए मेरे साथ। पापा जान, आप तो हमेशा लिखा करती थी कि आप किसी गर्ल्स हॉस्टल में काम करती हैं, मगर ये जगह देख के मुझे कुछ नहीं। क्या है, गलती मेरी है, मैं ही दूसरे रास्ते से ले आया। हाँ इस्लामिया, दरअसल हमारे हॉस्टल की जो गली है ना, वो दूसरी है। खैर, मुझे खुशी इस बात की हुई कि आप मुझे मिल गई। मुझे भी बेहद खुशी हुई। तुम अचानक कैसे आ गए? आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता था। आपकी मेहनत और कुर्बानी के तुफैल से आज मैं ग्रेजुएट बन गया पापा जान। अरे खुदा, बहुत बहुत मुबारक। और उससे भी बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे 350 रुपए महीने की नौकरी भी मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी कोई उम्मीद तो बराई। पापा जान, मैं जानता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर कमाने के लायक बन जाऊं, और इसीलिए आज तक आपने शादी नहीं की। लेकिन आपा, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब तो फिक्रें और भी बढ़ जाएंगी इस्लाम। माशाल्लाह, अब तुम जवान हो गए हो, कल को तुम्हारी शादी होगी, दुल्हन घर आएगी, बाल बच्चे भी होंगे, और फिर 350 की तनख्वाह में तुम अपनी बीवी बाल बच्चों को देखोगे या मुझे और अम्मी को संभालोगे? इस्लाम, अब तुम सिमतों के इम्तिहान नहीं रहे, और मैं तुम्हारी मासूम उम्मीदों पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसलिए बोझ नहीं बनना चाहती। आपका बोझ कंधे पे जन्नत उठाने की तरह पा जान, मैं जानता हूँ आपने मेरे लिए अपनी सारी खुशियां लुटा दी, इसी तरह मैं भी अपनी खुशियां आपकी खुशी के लिए मिटा देना चाहता हूँ। पाजान, मेहम साहब होटल आ गया। कितने पैसे हो भाई? 340 340। हाँ ये लो जी। छुट्टे तो है नहीं मेरे पास, आप जरा वहां से चेंज लेके आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आज आपने एक बहन की इज्जत भाई की नजर में गिरने से बचा ली। हाँ, लेकिन अगर उसे ये पता चल गया होता कि आपने किस तरह उसकी पढ़ाई की है, तो शायद आपसे, आपकी कमाई से और खुद की पढ़ाई से भी उसे नफरत हो जाती। क्या करूं, उसकी इसी नफरत के डर से तो मैं उससे दूर भाग जाना चाहती हूँ। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि इस नफरत भरी दुनिया में आपसे प्यार करने वाला कोई है। बस करो भाई साहब, बस करो। अब आप अपने भाई के साथ चले जाइए, भगवान आप दोनों को सुखी रखे। इधर
एक रोग बनकर मेरे सीने में बस गया है, मुझे टीबी हो गई है। जो जिंदगी से मुकाबला करने के लिए निकलते हैं वो इस तरह हिम्मत नहीं हारते। ज्योति आओ मेरे साथ। अरवी तुम यहीं ठहरो, मैं आता हूं। चलो ज्योति तैयार हो जाओ, मेरे साथ आरबी आया है तुम्हारा गाना सुनने। अगर उसे तुम्हारा गाना पसंद आया ना तो तुम्हें मालूम है कि मैं टीबी की मरीज हूं, मुझे खांसी आती है, मैं सांस नहीं ले सकती, मैं आलाप नहीं ले सकती, मैं गा नहीं सकती। देखो ज्योति, किस्मत से आज ये मौका मिला है, यही मौका पाने के लिए तुम दिल में हजारों अरमां लिए अपना घर छोड़ के एक दिन यहां चली आई थी। आज तो तुम्हारे सामने तकदीर। ज्योति ज्योति हिम्मत मत हारो, भगवान के लिए मुझे मजबूर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई तुम्हारी भी हंसी उड़ा दे। मेरे नहीं, कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल करो। ज्योति ज्योति मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम गा सकती हो, अच्छा गा सकती हो, और आज तुम गाओगी। ये है ज्योति। यार यही वो लड़की है जिसका मैंने जिक्र किया था। तुम सुनोगे तो दंग रह जाओगे यार, बैठो। आजा।
तेजो तुम पागल हो, ये लड़की बीमार है, तुमने देखा नहीं इसे गाने में कितनी तकलीफ हो रही थी। इस बात का कोई शक नहीं कि लड़की गाती अच्छी है, इसकी आवाज में दर्द भी है, लेकिन इस हालत में ये प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकती। नहीं नहीं यार, कम से कम तुम ऐसा मत कहो, तुम्हारा ये जवाब उसकी उसकी सारी ताकत को खत्म कर देगा, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। प्लीज यार प्लीज। अच्छा 10 तारीख को फिल्म सेंटर में मेरे गाने की रिकॉर्डिंग है, तुम उसको वहां ले आना, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। इन सुनसान राहों से गुजरते हुए मुझको लगता है कि थक करके हार जाऊंगा, तेरी आंखों से छलकते हुए यादों के दिए उम्मीद सी देते हैं तुझे पाऊंगा। दी, कॉलेज जा रहे हो? जी। आ मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं मैं। अरे आओ ना। You're most welcome. See you. See you. सुनो, तुम हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। गाड़ी में भूल गए थे। थैंक यू। और कुछ? जी ये किताब आपको चाहिए थी? हाँ हाँ, परसों लौटा दूंगी। कभी भी लौटा। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, किताब में कुछ ढूंढिए मत। कुछ मिलेगा नहीं। किताब जरूर देख लेना नीलम, कुछ मिलेगा। कुछ बोलो ना। मैं सोच रहा था तुम आओगी या नहीं। कैसे नहीं आती, इतनी हिम्मत करके जो बुलाया तुमने। नीलम आज कॉलेज का आखिरी दिन है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं ये लाया हूं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। मैं भी तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती थी। Come in, come in. Ah, Jyoti.
यार तुम बड़े टाइम पे आयो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये है मिसेस डीसा, हमारी लैंड लेडी। हेलो हेलो हेलो, बहुत अच्छे, बहुत वेरी गुड। हाँ बैठिए बैठिए। ज्योति तुम ऐसा चलो चलो, तुम टेक कर दे। बेस्ट ऑफ लक ज्योति, बेस्ट ऑफ लक। मिसेस डीसा आप यहाँ बैठिए, यहाँ से गाना बहुत अच्छा सुनाई देगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो ज्योति, मैंने तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुमको यहां बुलाया, मगर तुम चुपचाप यहां खड़ी रहोगी, गाओगी नहीं। जी? टेक के बाद जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उसे लेकर अपना इलाज करवा लो, समझे? तुम यहां चुपचाप खड़ी रहोगी, गाना नहीं गाओगी। तुम यहां चुपचाप खड़ी रहोगी, गाना नहीं गाओगी। तुम यहाँ चुपचाप खड़ी रहोगी, गाना नहीं गाओगी। तुम यहाँ चुपचाप खड़ी रहोगी, गाना नहीं गाओगी। तुम यहाँ चुपचाप खड़ी रहोगी, गाना नहीं गाओगी। उठा, हम चेक करते हैं। हाँ, साइरस प्लीज, ऑर्डर करो। साइरस प्लीज, एबीसी पिक्चर्स, सॉन्ग नंबर वन, टेक वन, स्टार्ट है। वन टू थ्री, वन टू। लाई कहाँ Thank you.
तो मैंने तुमसे कहा था चुपचाप खड़ी रहो कोरस गदगदा, तो तुमने क्यों गाया? मैं कैसे चुप रहती? आप नहीं जानते यही तो वो मंजिल है जिसे पाने के लिए मैंने अपना ये हाल बना लिया है, और आज जब तकदीर मुझे यहां तक ले आई है तो आप कहते हैं मैं गाना नहीं गाऊं। मैं कैसे नहीं गाऊं? मैं कैसे नहीं गाऊं? मैं कैसे चुप रहूं? सेकंड बात करते हैं यार, क्या हुआ? साउंड रनिंग प्लीज साइलेंस, सॉन्ग नंबर वन पार्ट टू टेक वन। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू। डिक्की खोल देना। चलो जल्दी सामान रखो अंदर। चलो जल्दी करो टैक्सी। चल शाम भगा भगा जल्दी जल्दी चलो जल्दी स्टार्ट करो जल्दी करो। मगर उधर क्या देखता है? अरे ये तो अपना हीरो है, इसको किसने मारा है? हीरो हीरो हीरो, तुम जाके सबको खबर कर दो, मैं इसको हॉस्पिटल लेके आता हूँ। वाह, ये सड्डे की चाय तो कमाल है। पापा जी, सड्डे की चाय तो इतनी सुपर हिट है कि सब यहीं पीने आते हैं। ओए कबूतर, मेरी टैक्सी पर थूकम पालिश नहीं करना। हाँ पापा जी, गड्डी नु हीरोइन नहीं बनाना। ओए फिटे मुंह, हीरोइन हीरो की गड्डी नु जाके बना। तो पापा जी, हीरो की टैक्सी गुंडे छीन के ले गए। पापा जी सम्मान, आया किला बच के जाएगा ढक्कन। अरे क्या बात है, छोड़ना इस कुत्ते के बच्चे को।
ऑफिस। हाँ अरे यानी कि अपने को भी वो गुंडे को पकड़ना। अरे घुमा लो घुमा लो। पापा जी है नू छड़ना नहीं क्या बात ऐसी की चांदो बाबा बिंदा तुम तो मिल्खा सिंह के भी फास जाओ रिवर्स में तुम्हारा रिवर्स के अच्छा पड़ता है। आइए आइए हम सबके साथ अपने लिए एक अच्छी चोर काले धंधे वालों को पकड़ ले सबको। भत्ता मत देना भत्ता मत देना। अरे कबूतर कैंसिल के लोग चल भाई मैम साहब खुदकुशी करनी है तो मर्सिडीज ढूंढ लीजिए ना। देव हाय देव हाय देव गया था उसी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर टैक्सी ड्राइवर कब से बन गए? किसी की तलाश जो थी रात दिन बंबई में घूमने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। किसकी तलाश थी? एक मुजरिम की। मुजरिम? दिल का या दौलत का? अपने पास तो दिल ही दौलत है। चलो घर चलो वहां आराम से बैठकर बातें करेंगे। चलो मेरा घर अच्छा है बहुत अच्छा है। डैडी डैडी नहीं है घर में? डैडी डैडी का घर छोड़े तो जमाना गुजर गया। देव ये मेरा अपना घर है मेरी छोटी सी दुनिया। यहां मैं मेरा बच्चा मेरे पति रहते हैं। वही तो पूछ रहा था तुम्हारे बच्चे के डैडी। यस देव माय हस्बैंड इज अ वंडरफुल पर्सन ही लव्स मी सो मच। और तुम? मैं भी। एक औरत अपने पति और बच्चे को प्यार नहीं देगी तो किसे देगी? औरत का सबसे बड़ा अरमान यही होता है। खैर छोड़ो ये तो रही मेरी अपनी बात। तुम सुनाओ तुम्हारी शादी हो गई? मेरी? हाँ आदमी का भी तो यही अरमान होता है उसकी औरत हो बच्चे हो एक छोटा सा घर हो। लड़की बंबई की है? नहीं झुमरी तलैया की। झुमरी तलैया? हाँ। बच्चे कितने हैं? बच्चे यही बस दो या तीन। दो या तीन? मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? बैठो ना। तो अब मामला लिफ्ट तक पहुंच गया? अरे अभी तो सिर्फ दोस्ती हुई है धीरे धीरे और भी कुछ हो जाएगा।
क्या होगा, कुछ बोलता ही नहीं। I think he likes you. God knows. मेरा ख्याल है नीलम तुम इस देव को देवदास बना के छोड़ोगी। छोड़ना, आजकल के लड़के देवदास नहीं बिंदास होते हैं, बिंदास। कहाँ खो गई थी? कुछ नहीं, सोच रही हूँ हम लोग बचपन की नादानी में कैसी कैसी गलतियां करते हैं, जिंदगी की असली हकीकत को नहीं समझ पाते। और हकीकत तो ये थी कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ फैसला करने से पहले तुमसे बहुत दूर जा चुकी थी। आखिर मैं एक लड़की हूँ और लड़की हर माँ बाप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन जिम्मेदारियों को मान देना लड़की का फर्ज होता है। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ देव। जिंदगी का सही असूल तो ये है, जो बीते पल में खो गया उसे भुला देना चाहिए, जो आने वाला पल खुशियां लाए उसे अपना लेना चाहिए। हेलो, आप बोल रहे हैं क्या? जल्दी नहीं आ सकेंगे क्यों? जल्दी आए देखो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, जिंदगी का सही असूल तो ये है, जो आने वाला पल खुशियां लाए उसे अपना लेना चाहिए। ओके बाय। तेज रफ्तार में पीछे क्या क्या छूटते जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे स्पीड बहुत पसंद है, स्पीड स्पीड स्पीड। ऐसी जगह जहां से कोई मुझे, मैं बहुत थक गया हूं मिसेस डी साहब, बहुत। कल तक दिल में एक उम्मीद लिए, आंखों में एक आस लिए मैं, लेकिन आज तो कल और आज में बहुत फर्क होता है ना मिसेस टीसा। आज मैं बिल्कुल अकेला हूं। अकेला तो हम भी हैं,
हमारे नसीब में बेटे का प्यार नहीं, हम बुढ़ा हो गया है, अब हमको बेटे का बहुत कमी मालूम होता है, बट तुम राज कर, हमको कभी मम्मी बोलकर नहीं पुकारा, तुम हमको मम्मी बोलता तो क्या हम तुमको बेटा नहीं समझता? बोलो, हमारा कितना बड़ा एम्बिशन था, तुम्हारा शादी होगा, तुम्हारा बाल बच्चा होगा, उनका साथ हम खेलेगा, बट तुम बहुत खराब छोकरा है, हम मालूम तो बहुत खराब है। हाँ, हम बहुत खराब छोकरा है मम्मी। क्या तुम हमको मम्मी बोला? मम्मी बोला? माय सन, तुम हमको मम्मी बोला? जिंदगी का सही असूल तो ये है, जो बीते पल में खो गया उसे भुला देना चाहिए, जो आने वाला पल खुशियां लाए उसे अपना लेना चाहिए। बंबई दूरदर्शन आपकी खिदमत में पेश करता है एक नई गायिका, ज्योति शर्मा। ये आपको पहले एक गीत सुना रही हैं। Soon.
ऑल द बेस्ट। हमारा पैसा दे के जाओ, हमारा पैसा दे के जाओ। क्या ये कहना जरूरी है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। घर जाके मैं क्या करूंगी? माँ ने घर से चलते समय कहा था कि राशन के लिए पैसे चाहिए और पप्पू के स्कूल की किताबें लेने और फीस भी देने। पप्पू तुम्हारा भाई है? अभी बहुत छोटा है, जब पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा तो मैं ये सब नहीं करूंगी। और फिर क्या है, तुमने कभी सोचा है कि जब ये तुम्हारा पप्पू बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तो तुम बुढ़ी हो जाओगी? आई एम सॉरी। घर तक छोड़ दोगे? आओ। तुम मेरे बारे में सुनकर इतने गमगीन क्यों हो गए? लोगों के दुखों को अपने दिल पे लेने की शायद आदत सी पड़ गई है। वो जो गीत तुमने मुझे सुनाया था ना, वो बहुत अच्छा था। कौन जाने फिर हम इस जिंदगी में कभी मिलेंगे भी या नहीं। वो गीत फिर एक बार सुना दो ना।
शादी करोगी? भगवान के लिए तुम ऐसा मत कहो, क्योंकि तुम भी तो एक ऐसे आदमी हो जिसके लिए बात तुमने अभी मुझसे कही है ना, तुमसे पहले भी मेरी जिंदगी में कई लोग कई बार मुझसे कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, भगवान के लिए तुम ऐसा मत कहो। मैंने जो भी कहा है सच्चे दिल से कहा है, आई मीन इट। सेंटिमेंटल हो चुके हो, तुम तो ये भी भूल चुके हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं कल शाम को 5:30 बजे तुम्हें यहीं लेने आऊंगा, यहीं। इंतजार करना, मैं यही आऊंगा। देर से आए? हाँ मम्मी, जरा शॉपिंग करनी थी। ये क्या है? ये तुम्हारे बहू के लिए। हाँ? कल आ जाएगी, उसके बाद शादी होगी। शादी? हाँ। तुम भी यही चाहती थी ना? हाँ, हम भी यही चाहता था। अच्छा जाओ, अब सो जाओ। अच्छा, गुड नाइट मम्मी। गॉड ब्लेस यू। मदर मेरी माँ, आज मैं एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने जा रहे हूं, मेरी मदद करना। माफ कीजिए साहब, गलती हो गई। क्या है, मैं मेरी अभी शादी है, मैं दुल्हन को लाने जा रहा था, इसीलिए जरा। कमाल है, शादी करने जा रहे हो और शादी के दिन ही ट्रैफिक का कानून तोड़े, शादी के बाद फैमिली प्लानिंग का कानून भी तोड़ दोगे? नहीं साहब, वो तो नहीं तोड़ूंगा। ठीक है जाओ, मगर इस स्पीड में मत जाना। थैंक यू साहब। इट्स ऑल राइट। कल शाम को 5:30 बजे तुम्हें यहीं लेने आऊंगा, मेरे लिए इंतजार करना। मैंने जो भी कहा है सच्चे दिल से कहा है, आई मीन इट। देख 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 कैसे भागता है, मरेगा एक दिन। अरे अरे वो बेहोश हो गया।
जल्दी जल्दी मेरी टैक्सी में रखो। अरे दरवाजा खोलो ना, देखते क्या हो, खोलो। ठीक तो है? लड़का होश में आ चुका है। तो मैं जा सकता हूँ? नहीं, ये एक्सीडेंट का केस है, तुम्हें पुलिस के सामने बयान देना होगा। थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन मैंने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। आप नहीं जानते, मेरी आज शादी होने वाली है, मेरी दुल्हन इंतजार कर रही होगी। सर यंग मैन, आई कांट हेल्प यू, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, थोड़ी देर रुकना होगा। कसम सूरदास की, बाजे वाले तो बाजे वाले, बराती भी सो गए हैं, लेकिन अपना बॉस अभी तक नहीं आया। अरे बॉस आ गया। अरे बाजा मार के बैंड मार, फुंगी उठा, फुंगी उठा, फुंगी उठा, दी अरे रामू खटिया उठा, मजे चल अरे उठा उठा पूरा। बॉस अकेले? भाभी कहाँ है? यार कोई छोकरी नहीं मिली, शादी कैंसिल। शादी कैंसिल? फिर उस लड़के का क्या होगा जिसको हमने पसंद किया है? याद रखो, तुमने हमको मम्मी बोला है, हमारा बहू हमारे पसंद से आएगा, समझा? हेलो, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो? फर्स्ट क्लास। बच्चा कहाँ है? स्कूल गए हुए। तुम अंदर चलो। भाई ये कौन है? तुम्हारी भाभी। ओ, तुमने दोबारा शादी कर ली? भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
देखो, तुम्हारा हीरोइन देखो, तुम्हारा दुल्हन। मेरी दुल्हन? हाँ, वो टैक्सी देखो, देखो टैक्सी, आओ चलो। शायद मेरी किस्मत में तू ही है। रिकॉर्डिंग के बाद मिसेस डीसा ने मुझे सैनिटोरियम भेज दिया था। उन्होंने मेरा इलाज कराया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारी म्यूजिक डायरेक्टर दोस्त ने वाह, क्या काटी है ज्योति। भाई देव, तुम्हारे दोस्त ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब चले चलो। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।